ये कहानी शुरू होती है 1947 से, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। तब भारत का एक नया नक्शा उभर कर आया। दुनिया ने देखा कि इस नक्शे से आसपास के तमाम देश गायब हो चुके थे, लेकिन एक देश अब भी भारत के साथ नजर आ रहा था। ये देश था पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन, श्रीलंका। दुनिया के हर नक्शे में श्रीलंका भारत के साथ नजर आता है। वो श्रीलंका जिसका जिक्र आज से हजारों साल पहले इंडियन माइथोलॉजी में मिलता है, वो श्रीलंका जहां पर कभी भारत के राजाओं का राज था, वो श्रीलंका जो समंदर में भारत के अपने आइलैंड अंडमान से भी ज्यादा करीब है। तमिलनाडु के धनुषकोडी से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर बसा है श्रीलंका। भारत के हर नक्शे में श्रीलंका को भी दिखाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सी कहता है कि अगर किसी देश की सीमा समंदर से लगती है तो उसके आसपास 200 नॉटिकल माइल्स यानी कि 370 किलोमीटर तक के इलाके पर उस देश का ही अधिकार होगा। भारत के हक वाले इसी इलाके में श्रीलंका भी आता है, इसीलिए वर्ल्ड मैप में दोनों साथ नजर आते हैं। श्रीलंकन लोगों का रिलीजन, कल्चर और फूड भी बिल्कुल वैसा है जैसा कि हमारे साउथ इंडियंस का होता है। तो सवाल ये आता है कि फिर श्रीलंका एक अलग देश कैसे बन गया? क्यों नहीं सरदार पटेल ने बाकी रियासतों की तरह श्रीलंका को भी भारत में मिला लिया? और क्या वजह रही कि आजादी के बाद इंदिरा गांधी ने भारत का एक आइलैंड श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा श्रीलंका के इतिहास की गहराइयों में, जो शुरू होता है हजारों बरसों पहले से, जब धरती के अलग अलग हिस्सों पर इंसानी ट्राइब्स रहा करती थी। इन्हीं में से एक थी अफ्रीकन ट्राइब वेदा, जो शिकार और खाने के चक्कर में भटकते भटकते भारत आए और फिर श्रीलंका पहुंचे। ये श्रीलंका पर पहले इंसानी कदम थे। वेदा यहाँ के मूल निवासी बन गए और आज भी श्रीलंका के कई हिस्सों में वेदा जनजाति के लोग रहते हैं। फिर वक्त बीता और 2000 BC में सेंट्रल एशिया से आर्यन लोग भारत आने लगे। आर्यन कैटल फार्मिंग का काम किया करते थे और जानवरों के लिए चारा तलाशते तलाशते ये भारत पहुंचे। आर्यन भारत में ही बस गए और 5वीं सदी आते आते ये इंडिया के साउथ कोस्ट तक जा पहुंचे, जिसके आगे था श्रीलंका। आर्यन जब श्रीलंका पहुंचे तो श्रीलंका के मूल निवासियों और इंडो आर्यन लोगों में शादियां हुई और इनसे जो नई जनरेशन बनी वो लोग कहलाए सिंहल, और इन्हीं सिंहल लोगों का देश बना श्रीलंका। हालांकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बरसों पहले इसे सियोल कहते थे। श्रीलंका नाम तो हमें सदियों पहले रामायण में मिलता है। रामायण में लिखा है कि तब यहाँ असुरों का राज था और लंका का राजा रावण माता सीता को किडनैप करके लंका ले आया था। माँ सीता को छुड़ाने के लिए भगवान श्री राम ने वानर सेना की मदद से भारत और लंका के बीच समंदर में एक पुल बनवाया था। माना जाता है कि ये पुल आज भी समंदर की गहराइयों में मौजूद है और इसके सैटेलाइट फोटो लगातार वायरल होते रहते हैं। वहीं अलग अलग मंदिरों में इसी पुल के पत्थर रामशिला के तौर पर पूजे जाते हैं। लेकिन अगर इस दौर की बात करें तो श्रीलंका के अपने ग्रंथ महावामसा और दीपावामसा में लिखा है कि सदियों पहले भारत के बंगाल स्टेट में राजा बंगा का राज हुआ करता था। एक दिन उनके बेटे प्रिंस विजय ने अपने 700 लोगों के साथ बंगाल छोड़ दिया। वो इंडिया के साउथ डायरेक्शन की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं और समंदर को पार करके श्रीलंका पहुंचते हैं। श्रीलंका आकर उन्होंने अपना नया किंगडम बसाया और श्रीलंका के पहले राजा बने। इतिहास बताता है कि उस दौर में भारत समेत आसपास के देशों जैसे कि नेपाल, भूटान और तिब्बत में बौद्ध धर्म तेजी से पैर पसार रहा था। तब यहाँ के भाटी किंग अशोक के बेटे महिंदा श्रीलंका में बौद्ध धर्म को लेकर आए। दीपावामसा में लिखा है कि उस वक्त यहाँ राजा देवानाम पिया तिस्सा का राज था। तब महिंदा आए और बोधि वृक्ष का एक पौधा लगाया। उन्होंने ही यहाँ पहला बौद्ध मठ बनवाया और बुद्धिज्म की शुरुआत की। 10वीं सदी आते आते श्रीलंका के ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म अपना चुके थे। इसी सदी में साउथ में बहुत ही ताकतवर चोल राजाओं का राज हो जाता है। क्योंकि श्रीलंका पास में ही था, इसलिए चोल राजाओं ने एक बहुत बड़ी आर्मी लेकर श्रीलंका की अनुराधापुरम किंगडम पर हमला कर दिया और उसे जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब अनुराधापुरम चोल राजाओं के डायरेक्ट कंट्रोल में था, लेकिन वो खुद यहाँ पर राज करने के बजाय यहाँ के सिंहल सरदार को ही राजा बने रहने देते हैं और उससे टैक्स वसूलते रहते हैं। 300 सालों तक चोल राजाओं का राज रहा।
इसके बाद आई पांड्या किंग्स जिन्होंने जाफना किंगडम को बसाया। ये वही जाफना है जो आज श्रीलंका की मेन सिटी है और साथ ही साथ नॉर्दर्न रीजन की कैपिटल सिटी भी है। इतिहास बताता है कि चोल और पांड्या राजाओं के इसी शासनकाल में भारत से हजारों तमिल लोग श्रीलंका आकर सेटल हो गए और यहीं से साउथ इंडियन कल्चर भी श्रीलंका पहुंचा। ये लोग द्रविड़ भाषा बोलते थे, इनका अपना खाना और अपने रीति रिवाज थे। धीरे धीरे तमिल लोगों की आबादी श्रीलंका में बढ़ती गई। आज श्रीलंका के साउथ और ईस्ट एरिया में हजारों तमिल रहते हैं और यहाँ की 15% जनता द्रविड़ भाषा बोलती है। इस तरह भारत से तमिल लोग और उनका कल्चर तो श्रीलंका आ गया, लेकिन पांड्या राजाओं के जाने के बाद किसी दूसरे भारतीय राजा का ध्यान श्रीलंका पर नहीं गया, इसीलिए लोकल सिंहल राजाओं का राज यहाँ फिर से कायम हो गया। वैसे भी अंग्रेजों के आने से पहले लोगों को कंट्रीज के कॉन्सेप्ट के बारे में पता ही नहीं था, इसीलिए दोनों जगहों पर लोग आराम से आते जाते थे। साउथ इंडिया की तरह ही श्रीलंका में भी लोहे की माइनिंग और मसालों की खेती हुआ करती थी। कच्ची मिट्टी के बर्तन यहाँ एक जैसे बनते थे और कब्रिस्तान भी एक जैसे ही थे। दोनों ही इलाकों में बौद्ध और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहा करते थे। बस साउथ इंडिया में हिंदू ज्यादा थे और श्रीलंका में बौद्ध। फिर सवाल ये आता है कि श्रीलंका एक अलग देश कैसे बना। इसकी कहानी शुरू हुई जब 15वीं सदी में वास्को डी गामा भारत आया। उसके पीछे पीछे कई पुर्तगाली भी यहाँ आए और उनके बाद आए डच। डचों ने देखा कि पूरे साउथ इंडिया और श्रीलंका में खड़े मसालों और ड्राई फ्रूट्स की खेती हो रही थी। इन्हें विदेशों में एक्सपोर्ट करके पैसा कमाने के लिए उन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और श्रीलंका के कोस्टल एरिया पर पोर्ट्स डेवलप किए। डचों ने यहाँ से मसाले, ड्राई फ्रूट्स और कई चीजों को बड़े बड़े जहाजों में भरकर विदेशों में बेचना शुरू कर दिया। 18th सेंचुरी तक ऐसा ही चलता रहा और डच बड़े आराम से पैसा कमाते गए। लेकिन 18वीं सदी में त्रावणकोर के राजा से डचों का झगड़ा हो गया। हुआ यूं कि त्रावणकोर के उस वक्त के राजा थे मार्तंड वर्मा, जो लगातार अपना एम्पायर बड़ा करते जा रहे थे। डचों को ये डर था कि मार्तंड वर्मा अगर ताकतवर हुए तो उनके पोर्ट्स पर भी वो कब्जा कर लेंगे, इसीलिए डचों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उस वक्त कन्याकुमारी को कोलाचेल कहा जाता था। डचों ने मार्तंड वर्मा पर हमला करने के लिए कोलाचेल के कोस्ट पर 400 शिप तैनात कर दिए, जिनमें बड़ी बड़ी तोपें और गन थी। लेकिन वो हमला कर पाते उससे एक रात पहले ही मार्तंड वर्मा की सेना ने लोकल मछुआरों के साथ मिलकर डचों के जहाजी बेड़ों में आग लगा दी। जहाजों को तहस नहस करने के बाद वो हजारों फौजियों को कैद करके त्रावणकोर ले गए। कहते हैं कि ये हमला इतना भयानक था कि डच संभल ही नहीं पाए और लड़ने से पहले ही हार गए। आखिरकार खुद डच ऑफिसर्स त्रावणकोर दरबार में आकर राजा मार्तंड वर्मा से माफी मांगते हैं और बकायदा घुटने टेक कर उन पर हमला ना करने की कसम खाते हैं। इतिहास में ये शानदार लड़ाई कोलाचेल युद्ध के नाम से दर्ज है, जिसकी कहानी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, इसके बाद डच कमजोर होते गए और कुछ सालों बाद अंग्रेजों ने उन्हें हरा कर श्रीलंका पर कब्जा कर लिया। श्रीलंका के पोर्ट्स डचों ने पहले ही डेवलप करके रखे थे, इसीलिए अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया और श्रीलंका को बिजनेस पर्पज से डेवलप करना शुरू कर दिया। उन्होंने यहाँ पर चाय की खेती शुरू की। मसाले और कीमती हीरे मोती यहाँ पहले से थे। अंग्रेजों ने ही यहाँ रेलवे लाइन बिछाई और 1816 तक पूरे श्रीलंका को अपना गुलाम बना लिया। लेकिन ब्रिटिशर्स ने श्रीलंका को ब्रिटिश इंडियन कॉलोनी की बजाय ब्रिटिश सिलोन कॉलोनी के अंडर रूल किया। अंग्रेज श्रीलंका को सिलोन कहते थे। बरसों तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को और ब्रिटिश सिलोन कंपनी ने श्रीलंका को रूल किया और फिर आया साल 1947। अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, पाकिस्तान अलग देश बन गया, नेपाल पहले से ही अलग था और भूटान और सिक्किम के स्टेटस पर विचार चल रहा था। वहीं जिन जिन रियासतों पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल था, सरदार पटेल उन्हें भारत में मिलाने का काम कर रहे थे। लेकिन जब तक अलग अलग रियासतों के राजा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर कर रहे थे, तब तक सिलोन को आजादी ही नहीं मिली थी, यानी कि श्रीलंका पर अब भी अंग्रेजों का राज था। इसी वजह से पटेल श्रीलंका को भारत में नहीं मिला सके। 4 फरवरी 1948 श्रीलंका को आजादी मिली और तब यहाँ की पॉपुलेशन में सिंहल लोगों की मेजोरिटी थी। यहाँ की 72% सिंहल जनता खुद को भारत से अलग मानती थी। भारत में मेन रिलीजन था हिंदू, वहीं श्रीलंका में 70.2% लोग बौद्ध धर्म को मानते थे।
ये चाहते थे कि इनकी अपनी सिंहली सरकार हो और सिंहल लीडर्स ही इन्हें रूल करें। भारत ने भी सिंहल लोगों की इस इच्छा का सम्मान किया और अपनी वाटर बाउंड्रीज में होने के बावजूद भी श्रीलंका को एक अलग देश के तौर पर स्वीकार कर लिया। इधर नेपाल, भूटान और म्यांमार पर भी भारत ने कब्जा करने की कोशिश नहीं की। इसी वजह से भारत के अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते हमेशा अच्छे ही रहे। भारत और श्रीलंका भी पक्के दोस्त थे, लेकिन इसी दोस्ती के कारण भारत का काचाथीवू आइलैंड श्रीलंका के पास चला गया। काचाथीवू यानी कि वीरान, जहां कोई नहीं रहता। दरअसल भारत और श्रीलंका के बीच एक जल डमरू मध्य है, यानी कि वो इलाका जो पानी के बीच किसी डमरू की तरह होता है। इसे समंदर नहीं कह सकते क्योंकि इसमें रेत और कोरल की इतनी बड़ी बड़ी चट्टाने होती है कि यहाँ जहाज खड़े नहीं हो सकते। इतिहास बताता है कि 14वीं सदी में ज्वालामुखी फटने के कारण इस जल डमरू मध्य पर 285 एकड़ का एक आइलैंड बन गया था, जो था तो बहुत खूबसूरत, लेकिन पीने का पानी न होने की वजह से ये वीरान पड़ा रहा और यहाँ किसी ने भी अपना घर नहीं बनाया। इसीलिए इसे लोकल लैंग्वेज में काचाथीवू नाम दिया गया। भारत के रामेश्वरम से 12 माइल और श्रीलंका के जाफना से 10.5 माइल दूर काचाथीवू दोनों देशों के बीच था। यही कारण था कि दोनों देशों के मछुआरे मछली पकड़ने, जाल सुखाने और आराम करने के लिए यहाँ रुकने लगे। लेकिन काचाथीवू था भारत का हिस्सा। इतिहास के दस्तावेज बताते हैं कि 17वीं सदी तक काचाथीवू मदुरई के रामनाथ साम्राज्य के राजा के अधीन था। सालों बाद जब अंग्रेज यहां आए तो उन्होंने मदुरई को मद्रास प्रेसिडेंसी बना दिया और काचाथीवू को भी। 1755 में एक अंग्रेज ऑफिसर रॉबर्ट पाल्क मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर बने और उन्हीं के नाम पर उस जल डमरू मध्य का नाम पाल्क स्ट्रेट रखा गया, जहां काचाथीवू बसा था। ये वो दौर था जब साउथ इंडिया के ज्यादातर स्टेट, इंडियन ओशन के आइलैंड और यहाँ तक कि श्रीलंका पर भी अंग्रेजों का राज था। इसलिए आगे चलकर खुद रामनाथपुरम के राजा को काचाथीवू लीज पर लेना पड़ा ताकि भारत के मछुआरे वहां मछली पकड़ने के लिए जा सके। इसके बदले वो अंग्रेजों को भाड़ा दिया करते थे। द गैजेटियर में लिखा है कि 20वीं सदी में काचाथीवू पर रामनाथपुरम के ही सिनिकुप्पन पदाइची ने एक मंदिर बनाया था, जहां थंगाची मठ के पुजारी पूजा करते थे। बाद में भारत के मछुआरों ने यहां सेंट एंटनी चर्च बनाया, जहां आज भी हर साल फरवरी मार्च के महीने में 7 दिन तक प्रेयर होती है। ये तमाम सबूत बताते हैं कि काचाथीवू भारत का आइलैंड था। फिर भी श्रीलंका को काचाथीवू चाहिए क्यों था? दोस्तों, इसका सबसे सटीक जवाब है मछली पकड़ने के लिए। दरअसल इस आइलैंड के आसपास का एरिया बायोडाइवर्स है, जहां पर खूब सारी मछलियां तो हैं ही, ऊपर से गहरे समंदर में उतरने के लिए मछुआरों को आराम करने के लिए भी एक जगह चाहिए होती थी। काचाथीवू इसके लिए परफेक्ट था। जैसे जैसे साल बीते, वर्ल्ड मार्केट में भी फिश की डिमांड बढ़ती गई। ज्यादा मछली पकड़ने के लिए मछुआरों ने फिशिंग मशीन यूज करनी शुरू कर दी। इसी वजह से दोनों देशों के मछुआरों के बीच एक कंपटीशन पैदा हो गया और दोनों देशों के लिए काचाथीवू आइलैंड अहम हो गया। अपने मछुआरों का हित साधने के लिए श्रीलंका ने इस पर क्लेम करना शुरू कर दिया। 1921 में पहली बार श्रीलंका या कहीं की सियोल ने काचाथीवू पर क्लेम किया था। तब अंग्रेजों ने इसका सर्वे करवाया और इसे श्रीलंका को दे दिया। लेकिन ज्यादातर रिपोर्ट से कहती हैं कि अंग्रेजों ने हमेशा ही काचाथीवू को भारत का हिस्सा माना था। 1947 में उनके जाने के बाद जब सियोल आजाद हुआ और यहाँ के सिंहली लोगों ने अपनी सिंहल सरकार बनाई। वैसे तो सियोल और भारत अच्छे दोस्त थे, लेकिन वक्त के साथ साथ काचाथीवू समेत वाटर बाउंड्रीज को लेकर दोनों देशों के बीच कई सारे विवाद पैदा हो गए। हालांकि इन सबसे भी बड़ा एक और मुद्दा था, लिट्टे का। कहानी की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि जब चोल राजाओं ने श्रीलंका पर कब्जा किया, तब हजारों तमिल श्रीलंका सेटल हो गए थे। आजादी के बाद इन लोगों को लगने लगा कि सिंहल सरकार तमिल लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। हो भी ऐसा ही रहा था। श्रीलंका के गवर्नमेंट में सिंहल लोग ज्यादा थे। इन्होंने सिंहली भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया। सरकारी नौकरियों में भी सिंहल लोगों को प्रायोरिटी दी जाती थी। यही कारण था कि तमिल अपने ही देश में अलग थलग महसूस करने लगे। उन दिनों श्रीलंका के नॉर्थ रीजन में सबसे ज्यादा तमिल लोग रहते थे और वो इस इलाके को इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट बनाना चाहते थे। श्रीलंका के इन असंतुष्ट तमिल लोगों को एकजुट करने का काम किया विल्लू पिल्लई प्रभाकरण ने। 70 के दशक में प्रभाकरण ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसे शॉर्ट में लिट्टे कहा जाता था।
लिट्टे के लड़ाके गुरिल्ला वॉर करने में माहिर थे। वो छिपकर श्रीलंकन आर्मी पर हमला करते। लिट्टे की वजह से श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर जैसे हालात पैदा हो गए। इसीलिए श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। श्रीलंका की सरकार ने लिट्टे को फंडिंग और ट्रेनिंग देने का आरोप तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार पर लगाया, जिसकी वजह से श्रीलंका और भारत के रिश्ते बिगड़ते चले गए। लिट्टे चीफ प्रभाकरन के बारे में बताया जाता है कि उनके पिता तिरुवेंद्रम वेल्लुपिल्लई एक डिस्ट्रिक्ट लेन ऑफिसर थे और प्रभाकरन उनके चार बच्चों में से एक था। बचपन से ही प्रभाकरन का मन पढ़ाई में नहीं लगता था, इसीलिए वेल्लुपिल्लई ने घर पर ही उनकी ट्यूशन लगवा दी और घर से निकलना भी बंद करा दिया। पिता की सख्ती का नतीजा ये हुआ कि एक दिन मौका पाकर प्रभाकरन घर से भाग गए और लौटे तो अखबारों की सुर्खियों में। लिट्टे चीफ के तौर पर उन्होंने तमिल लोगों को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए ट्रेंड किया। उस दौर में लिट्टे इतना पॉपुलर हो गया था कि स्कूली बच्चे भी इसमें शामिल हो गए। लिट्टे के लड़ाके ताबीज में साइनाइड के कैप्सूल बांधकर चलते थे और 1972 आते आते ये दुनिया के सबसे खतरनाक आत्मघाती हमलावर के तौर पर मशहूर हो गया। प्रभाकरन की पूरी कहानी आपको किसी और दिन सुनाएंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए कि प्रभाकरन और लिट्टे के कारण उन दिनों भारत और श्रीलंका के रिश्ते सबसे ज्यादा तल्ख हो गए थे और यही पीएम इंदिरा गांधी की टेंशन का सबसे बड़ा कारण भी था। क्योंकि 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को आजाद कराने के बाद पाकिस्तान से भारत के रिश्ते पहले ही खराब हो चुके थे और कहीं ना कहीं अमेरिका भी भारत के खिलाफ था। इसीलिए इंदिरा गांधी लगातार अपने पड़ोसियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही थी और इसीलिए उन्होंने श्रीलंका के साथ भी मैरिटाइम इश्यूज सॉल्व करने की सोची ताकि दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधर सकें। उस वक्त श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी सिरिमाओ भंडारनायके, वो नेता जिन्होंने सियोल का ऑफिशियल नाम बदलकर श्रीलंका कर दिया था। जीके के हिसाब से बताए तो दुनिया की पहली महिला जो किसी देश की प्रधानमंत्री बनी थी। सिरिमाओ भंडारनायके की कहानी भी काफी दिलचस्प है, जो शुरू होती है 17 अप्रैल 1916 से। सिलोन के रत्नापुरा में उनका जन्म हुआ। माँ रोशेलिंद हिल्डा एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थी और पिता बांस रवाल्टे एक पॉलिटिशियन थे। परिवार के पास पैसा और रसूख दोनों थे। अपने 6 भाई बहनों में सिरिमाओ सबसे बड़ी थी। उनकी स्कूलिंग एक कैथोलिक स्कूल में हुई और आगे चलकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उनकी शादी हुई SWRD भंडारनायके से, जो श्रीलंका की फ्रीडम पार्टी के नेता थे। शादी के बाद पति पॉलिटिक्स में और सिरिमाओ सोशल वर्क में जुट गईं। लोगों से जुड़ने के लिए वो सिंहल लैंग्वेज में बात करती थीं। कई सारे एनजीओ के लिए उन्होंने काम किया और 1952 के पार्लियामेंट इलेक्शन में उन्होंने अपने पति के लिए घूम घूम कर वोट भी मांगे। नतीजा ये रहा कि SWRD इलेक्शन जीत गए और अगले इलेक्शन में यानी कि 1956 में वो प्रधानमंत्री भी बने। लेकिन इसके 3 साल बाद 25 सितंबर 1959 में उनका मर्डर हो गया, जिसके बाद सिरिमाओ भंडारनायके को पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी पड़ी। वो फ्रीडम पार्टी की अध्यक्ष बनी और 21 जुलाई 1960 को इलेक्शन में शानदार जीत के बाद उन्हें श्रीलंका का प्रधानमंत्री बनाया गया। सिरिमाओ के बारे में कहा जाता है कि वो इंदिरा गांधी की तरह ही एक तेज तर्रार नेता थी और दोनों में कई समानताएं थी। दोनों ने अपने देश में इमरजेंसी लगाई थी। जिस तरह इंदिरा सरकार में संजय गांधी की चलती थी, उसी तरह भंडारनायके की सरकार में उनके बेटे अनुरा की चलती थी। 1977 में उनकी विपक्षी पार्टी यूनाइटेड नेशन ने उनकी और इंदिरा की दोस्ती को एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए नारा दिया, आज भारत कल श्रीलंका। यानी कि जैसे भारत में इंदिरा की हार हुई है, वैसे ही श्रीलंका में भंडारनायके भी हारेंगी। कहते हैं कि अनुरा भंडारनायके पर जमीन घोटाले को लेकर जांच चल रही थी, तभी एक दिन विपक्ष के नेता पार्लियामेंट में उन्हें और भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को घेरने की कोशिश कर रहे थे। तब अचानक अनुराग गुस्से में खड़े होकर मेज पीटते हुए बोले, रुको और मिसेस गांधी की जीत का इंतजार करो, तब तुम देखोगे। सिरिमाओ भंडारनायके और इंदिरा गांधी में अच्छी दोस्ती थी, इसीलिए दोनों ने बॉर्डर इश्यू सुलझाने पर ध्यान दिया। 1970 से लेकर 1976 के बीच श्रीलंका और भारत के बीच कई राउंड्स मीटिंग हुई, जिसमें पहला समझौता हुआ 1974 में। ये समझौता 2 पार्ट में हुआ, 26 जून को कोलंबो में और 28 जून को दिल्ली में। इसमें 4 मैरिटाइम एग्रीमेंट्स पर सिग्नेचर हुए और इसी दौरान काचा थेवु श्रीलंका को दे दिया गया। हालांकि एग्रीमेंट में ये मेंशन था कि आम लोग चर्च में प्रेयर करने बिना वीजा के आ सकेंगे और भारत के मछुआरे यहाँ जाल सुखाने और आराम करने के लिए
ठहर सकेंगे, लेकिन मछली पकड़ सकेंगे या नहीं इस बात को लेकर साफ साफ कुछ भी नहीं कहा गया था। कहते हैं कि इंदिरा ने ये फैसला साउथ की सरकारों को बताए बिना लिया था, इसीलिए जैसे ही साउथ के लोगों तक ये खबर पहुंची वैसे ही कोहराम मच गया। तमिलनाडु के उस वक्त के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने इंदिरा गांधी को लेटर लिखकर इस फैसले पर एतराज जताया, लेकिन इंदिरा ने अपना फैसला नहीं बदला। 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी और इसी पीरियड में मन्नार और बंगाल की खाड़ी में बाउंड्री लाइन सेट करने के लिए इंडिया और श्रीलंका के बीच एक और एग्रीमेंट पर सिग्नेचर हुए, जिसमें साफ साफ लिखा था कि भारत के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन में नहीं जाएंगे, यानी कि समंदर के उस हिस्से में नहीं जाएंगे जिस पर श्रीलंका का अधिकार है। इसी हिस्से में काचाथेवु आइलैंड भी आता था। मतलब साफ था कि भारत के मछुआरे काचाथेवु पर मछली पकड़ने नहीं जा सकते थे। इस फैसले से मछुआरों और साउथ स्टेट्स में गुस्सा तो था ही, लेकिन इमरजेंसी के दौरान तमिलनाडु विधानसभा को भंग कर दिया गया था, इसीलिए कोई विरोध करता भी तो कैसे। कह सकते हैं कि ये श्रीलंका की डिप्लोमेटिक जीत थी, क्योंकि उसने बिना किसी जंग के भारत से उसका वो आइलैंड ले लिया जो तमिल मछुआरों के लिए काफी इम्पोर्टेंट था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके कई सालों बाद भी भारत के मछुआरे काचाथेवु पर जाते रहे, क्योंकि श्रीलंकन नेवी, आर्मी और गवर्नमेंट का पूरा फोकस काचाथेवु की बजाय लिट्टे पर था। लिट्टे ने श्रीलंकन गवर्नमेंट की नाक में दम कर रखा था, इसीलिए काचाथेवु उनके लिए अहम नहीं था। लेकिन इधर साउथ स्टेट्स की सरकारें, खासकर तमिलनाडु, लगातार इस आइलैंड को वापस पाने की गुहार लगाता रहा। 1991 में तमिलनाडु असेंबली ने एक रिजोल्यूशन पास करके इस आइलैंड को वापस भारत में शामिल कराने की मांग की। 2001 में जयललिता ने अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात करके इस आइलैंड को स्थायी पट्टे पर हासिल करने की मांग की। 2008 में जब वो सीएम बनी तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट तक घसीटा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि संविधान संशोधन के बिना ही काचाथेवु को श्रीलंका को दे दिया गया, इसीलिए इस एग्रीमेंट को कैंसिल किया जाए। 2013 में एम करुणानिधि ने भी इसी डिमांड के साथ एक पिटीशन फाइल की और 2022 में जब पीएम नरेंद्र मोदी चेन्नई गए थे तब भी तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने उनसे काचाथेवु वापस भारत में लाने की रिक्वेस्ट की थी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर क्या कहती है? 2014 में सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहितगी ने कहा था कि आप श्रीलंका से काचाथेवु को कैसे लेंगे, इसे लेने के लिए युद्ध छेड़ना होगा, क्योंकि 1976 के बाद से ही श्रीलंका का ये हिस्सा बन चुका है और अब इसे वापस पाना मुमकिन नहीं है। वहीं 2009 में लिट्टे के खात्मे के बाद श्रीलंका भी काचाथेवु को लेकर काफी स्ट्रिक्ट हो गया। श्रीलंकन नेवी ने यहाँ गश्त बढ़ा दी और जैसे ही भारतीय मछुआरे वहां जाते उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता। जब ये घटनाएं बढ़ने लगी तो हो हल्ला मचा, लेकिन 2015 में श्रीलंका के पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने ये कहकर आग में घी डाल दिया कि अगर भारतीय मछुआरे इस इलाके में आए तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। हालांकि श्रीलंका की बाद की सरकारों और भारत सरकार मिलकर दोनों देशों के मछुआरों की समस्याएं सुलझाने की कोशिश में लगी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं निकाला जा सकता कि काचाथेवु भारत को वापस मिल जाएगा। हालांकि आपके मन में अब ये सवाल आ रहा होगा कि क्या ऐसे ही किसी देश को अपने देश की जमीन गिफ्ट की जा सकती है? जवाब है नहीं। इसके लिए पहले संविधान संशोधन करना पड़ता है, लेकिन इंदिरा गांधी ने इस पेचीदा प्रोसेस से बचने के लिए काचाथेवु आइलैंड को डिस्प्यूटेड मानकर इसे श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया। इससे दोनों देशों के बाउंड्री इश्यूज तो सॉल्व हो गए, लेकिन साउथ स्टेट के मछुआरों की समस्याएं बढ़ गई। उस वक्त सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, इसीलिए इस बारे में नॉर्थ के लोगों को पता तक नहीं चला। लेकिन अब साल 2023 में जब मणिपुर मुद्दे पर सरकार को विपक्ष ने घेरने की तैयारी की, तब पीएम मोदी ने काचाथेवु का जिक्र किया, जिसकी कहानी हम आपके सामने लेकर आए। काचाथेवु मामले पर आगे क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन श्रीलंका के इतिहास से जुड़ी लिट्टे की कहानी काफी दिलचस्प है, जिसे हम आपके लिए लेकर आएंगे अगर आप चाहेंगे तो। लेकिन इसके लिए आपको हमें कमेंट करके बताना होगा, साथ ही ये भी बताना होगा कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी। अपने सजेशन आप हमें इस मेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हम मिलेंगे आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।